हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी इंडियन किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी मटर पनीर, वो भी बिना प्याज और लहसुन के। कई बार फ्रेंड्स व्रत पूजा के लिए बिना प्याज लहसुन के सब्जी बनानी पड़ती है, इसलिए मैं आपको ऐसे तरीके से बनाना बताऊंगी कि सब्जी देखने और खाने में बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट सब्जी बनाना। सबसे पहले हम सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए 5 मीडियम साइज के टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 10 से 12 काजू और 2 चम्मच नारियल का बुरादा। सारी चीजों को एक साथ मिक्सर जार में डालकर इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट बनकर तैयार है, अब शुरू करते हैं सब्जी बनाना। सब्जी बनाने के लिए किसी पैन या कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे, फिर उसमें 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जब जीरा तड़कने लगे, फिर जो पेस्ट तैयार करके रखा है उसको भी हम थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल देंगे। मसालों को मीडियम टू हाई फ्लेम में तब तक भूनना है जब तक कि मसाले का कलर और टेक्सचर दोनों चेंज ना हो जाए, क्योंकि मसालों को हम जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे वो सब्जी हमारी उतनी ही टेस्टी बनेगी। साथ के साथ हम इसमें नमक भी डाल देंगे, फिर मसालों को प्रॉपर भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून गया, लगभग इसे हमने 10 मिनट तक भूना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। फिर सारे मसालों को 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। फिर मसालों में डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश मलाई, मलाई की जगह क्रीम भी इस्तेमाल की जा सकती है। मलाई को भी मसालों के साथ लगभग 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/2 कप उबली हुई मटर। मटर को उबाल के लेने से मटर का जो कलर है सब्जी बनने के बाद भी हरा रहता है, और कच्ची मटर डालने से वो तेल में जाती ही सिकुड़ जाती है, जो अच्छी नहीं लगती देखने में। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, यहाँ पर मैंने मिक्सर जार से ही पानी ले लिया है ताकि थोड़ा सा भी मसाला वेस्ट ना हो। फिर मसालों को 1-2 मिनट तक के लिए और भूनेंगे। ग्रेवी के लिए यहाँ पर मैं 1 ग्लास पानी डाल रही हूँ, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे, उबाल आ गया, इसे हम कवर करके 7 से 8 मिनट तक और पकाएंगे। सब्जी को चेक करते हैं, लग रही है ना ग्रेवी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी। अब हम यहाँ पर डालेंगे पनीर। पनीर को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। पनीर डालने के बाद हम सब्जी को हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि पनीर टूटे ना। पनीर को सब्जी में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद सब्जी को कवर करके हाई फ्लेम में 5-6 मिनट के लिए और पकाएंगे। सब्जी में बढ़िया सी खुशबू आ रही है, सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी देखने में लग रही है ना बिल्कुल होटल जैसी। अब सब्जी में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। मसाले को भी पूरी सब्जी में मिला देंगे। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, धनिया को भी सब्जी में मिला देंगे। सब्जी बनके तैयार है, यहाँ पर मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सब्जी खाने के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि इसे बिना प्याज लहसुन के बनाया गया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।